हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, फाइनली आपका राजस्थान एसआई का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, और राजस्थान एसआई का रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि जिन्होंने पटवारी का एग्जाम दिया था उनके मन में इतने डाउट्स यहाँ पर आ चुके हैं, और वो थोड़े से यहाँ पर प्रॉब्लम में भी आ चुके हैं। पता नहीं क्यों बार बार उन्हें टेंशन हो रही है कि सर, अगर आपके राजस्थान एसआई की इतनी हाई कट ऑफ गई है तो क्या हमारे जो यहाँ पर पटवारी एग्जाम है इसकी भी हाई कट ऑफ जाएगी। बहुत सारे तो वही बोल रहे हैं कि सर, अब तो ऐसा लग रहा है कि पटवारी की जो कट ऑफ है वो 250 प्लस जाएगी, 260 प्लस जाएगी। तो मतलब ये इतनी जो आपकी घबराहट हो रही है, इसका पूरा का पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होने वाला है और क्यों नहीं होगा। ये दोनों रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, चाहे आप आर एस की, आर पी एस सी में कोई भी आपका एग्जाम होता है, लेक्चरार का, पटवारी का, और या फिर आने वाली वैकेंसी का, तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। कल से आपकी मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो सुनील कुमार बैरवा के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, तो उसको जरूर आप लोग फॉलो करें। यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, स्पेशल फ्री क्लास के अंदर। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को एक बार, ठीक है। तो देखिए एक बार, तो सबसे पहले हमने आपको देखते हैं कि पटवारी की क्या कट ऑफ भी आपकी हाई जाएगी, क्योंकि मेरे पास जब से मैंने राजस्थान एसआई की यहाँ पर वीडियो बनाई है उसके बाद मतलब उसमें 50 या 60% तो जो कमेंट है वो आपके यहाँ पर पटवारी वालों की, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। देखिए एक बार, अभी जो यहाँ पर कट ऑफ हुई है, देखो आप देखिए एक बार कि जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की और एमबीसी की, इनकी जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 233 गई है, ठीक है, 233 पॉइंट समथिंग गई है। और ये कितने में से गई है आपकी, 400 में से गई है, ठीक है। तो पहली बात तो आप लोग यहाँ पर रेशियो चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है वो 300 में से जो है वो 250 प्लस जाएगी, तो प्लीज़ आप लोग ऐसी फालतू की अफवाह मत फैलाएं। आप खुद भी परेशान होते हैं और सामने वाले को भी परेशान कर देते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट फिर टेंशन में रहते हैं, फिर आप लोग, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि इसकी, ये आपकी राजस्थान एस आई कट ऑफ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला डाउट तो ये है कि सर, इन सभी की कट ऑफ जो है वो सेम गई है, तो क्या पटवारी की कट ऑफ में भी इसमें यही सेम रहेगा कि सबकी कट ऑफ का? देखो, ये जो कट ऑफ है ये फिजिकल के लिए है, ये जो कट ऑफ है ये फॉर फिजिकल है, ना कि ये फाइनल कट ऑफ। पहली बात तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए, ये फिजिकल के लिए कट ऑफ है आपकी, और फिजिकल की कट ऑफ निकली है तो इसमें आपके जो यहाँ पर सभी कैटेगरी, यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इनकी कट ऑफ को सेम रखा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है उसके अंदर भी ये सभी कट ऑफ यहाँ पर सेम रहेगी आपकी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये आपकी फिजिकल कट ऑफ है इसलिए यहाँ पर कट ऑफ सेम रखी गई है अभी, लेकिन जब फाइनल कट ऑफ निकलेगी तो वो सभी की यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ निकलेगी। और देखिए इसका रीजन दूसरा एक बार, आपको पता है कि इसके अंदर काफ़ी समय से ऐसे विवाद चला हुआ था, काफ़ी महीने से इसमें केस चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि आपको पता है इसमें चीटिंग हुई थी, कपलेबाजी हुई है, आपको सभी को पता है यहाँ पर, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर बार बार जो कमेंट कर रहे हैं कि सर, आपने जो कट ऑफ बताई थी इससे बहुत हाई गई है, भाई जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने एक बात और बोली थी कि इस वीडियो के अंदर आपकी कट ऑफ हाई भी रह सकती है, ये डिपेंड करेगा आपके नॉलेज पर और आपके कितनी यहाँ पर चीटिंग हुई है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और चीटिंग ज़्यादा होने के कारण इस पर इतना सारा, इतना लंबा यहाँ पर केस चला है और बहुत उसमें घपलेबाजी भी यहाँ पर हुई है, आप समझ सकते हैं। अब जब फिजिकल के लिए इतनी कट ऑफ हुई है तो बाद में कितनी मेरिट निकलेगी, आप खुद सोच सकते हैं इस बार, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं वो फिजिकल में निकलते हैं, ठीक है। तो जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है ना, वो फिजिकल में मत चुकना, फिजिकल की तैयारी आप लोग आज से स्टार्ट कर देना आप लोग, ठीक है। वरना आप लोग ये रह जाओगे कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ, लास्ट में आप लोग फिर रह जाओगे आप लोग फिजिकल के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 300 प्लस नंबर है लेकिन वो फिजिकल में रह जाते हैं, उनसे तैयारी, उनसे दौड़ नहीं होती है, उनसे तैयारी नहीं हो पाती उनसे, ठीक है। तो इस बात का आप लोग विशेष यहाँ पर ध्यान रखें। तो इसमें एक तो आपकी यहाँ पर चीटिंग हुई है, और ठीक है, और रीजन इसमें क्या हो सकते हैं कि आपका एक नॉर्मलाइजेशन, तो मैंने कहा था कि ये सबसे बड़ा फैक्टर है आपका नॉर्मलाइजेशन आपका, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका पेपर का वेस्ट बहुत ही ज़्यादा आ गया, ठीक है, किसी शिफ्ट के अंदर तो 30-30 नंबर का डिफरेंस अगर आ रहा है मान लीजिए आप लोग, तो फिर ये क्या करते हैं आपको बता देता हूँ मैं, जो आपकी सबसे आसान शिफ्ट होती है उसके नंबर यहाँ पर डिक्रीज कर देते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने जब आपकी आंसर की चेक की थी तो उनके नंबर जो थे वो कट ऑफ से ज़्यादा थे, ठीक है, 235 थे, किसी के 240 थे, लेकिन जब आपका रिजल्ट आया तो उनका लिस्ट में नाम नहीं है। उसका रीज़न यही है कि आपके यहाँ पर जो नंबर है वो कम हुए यहाँ पर, ठीक है, यही इसका रीज़न है, और यहाँ पर कोई भी इसका रीज़न नहीं हो सकता यहाँ पर। तो यहाँ पर ये नोटेशन का खेल है और ये बहुत ही गंदा खेल है,
ठीक है। अब इतने ज़्यादा विद्यार्थी भी नहीं है, ये आराम से चाहते तो ये पेपर को एक दिन में ले सकते थे, लेकिन ये जानबूझ के घपलाबाजी होती है। आप समझ सकते हैं कि अगर पेपर आपका 3 दिन चलेगा तो डेफिनेट, मतलब 3 सेटों में चलेगा तो डेफिनेटली आपके घपले होते ही होते हैं यहाँ पर। क्यों होते हैं? क्योंकि मान लीजिए किसी का पेपर बहुत आसान आ गया, किसी का टफ आ गया, तो फिर क्या होता है, आपको होता है नोवलाइजेशन, और उसके अंदर अगर आपकी अच्छी अप्रोच है, जान पहचान है, तो फिर कुछ भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यही इसके अंदर घपला हुआ है, और इसीलिए बहुत सारे विद्यार्थियों का लिस्ट में यहाँ पर नाम नहीं है। अब दिमाग में ये आ रहा है कि सर पटवारी के अंदर भी जाएगा क्या? अरे भाई पटवारी बिल्कुल ही अलग एग्जाम है आपका। ये पटवारी जो आपका एग्जाम है, पहली बात तो ये पेपर जो आपका 300 नंबर का है, ठीक है। और जो मैंने आपको जो कट ऑफ बताई है, मैंने कहा है कि आपके कट ऑफ जो है वो 215 के आसपास यहाँ पर रह सकती है आप कट ऑफ, ये बताई थी मैंने। अब पता नहीं क्यों दिमाग में आप ला रहे हैं कि सर कट ऑफ 250 जाएगी। 250 कैसे चली जाएगी बताओ, 250 कट ऑफ कैसे चली जाएगी? इसके अंदर देखो पहली बात तो इसमें कोई चीटिंग वाला केस नहीं है, ठीक है। वो छोटे मोटे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चीटिंग वाला इसमें कोई केस नहीं है, और पेपर का जो बैलेंस है वो भी लगभग सेम है। पेपर इसका बैलेंस था आपका, ठीक है, पेपर एक थोड़ा सा बैलेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस कम आएगा इसमें जो आपका होगा नोवलेशन यहाँ पर, ठीक है। इसमें जो आपका नोवलेशन होने वाला है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आप मान सकते हैं 2 से 5 नंबर तक आपका जो है यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है। तो सीधी सी बात है कि ना तो इसमें नंबर आपके कम होने वाले हैं, ठीक है। तो इससे आपके कट ऑफ यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगी। जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड के दिए 215 से 17 के आसपास कट ऑफ, ज़्यादा स्टेप किसी भी हालत में नहीं जाएगी आपकी, ठीक है। और अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मानोगे तो 220 चली जाएगी, अगर नंबर आपके भर जाते हैं नॉलेज के अंदर, अगर कोई फॉर्मूला होता है तो 220 से अगर किसी हालत में कट ऑफ नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी 300 में से, ठीक है। तो आप लोग ये बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, SI की तुलना को आप लोग पटवारी मत रहिए आप लोग, ठीक है। SI के अंदर आपको पता है कि इतने साल से इसमें केस चल रहा है काफ़ी महीने से इसके अंदर, तो इसीलिए घपलेबाजी के कारण और चेटिंग के कारण इसमें कट ऑफ खाई गई है, वरना इतनी कट ऑफ फिजिकल के लिए नहीं जाती है, ठीक है। और मेरे क्या, आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए, किसी ने भी इतनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड नहीं की थी, ठीक है। और उससे पहले मैंने आपकी RSE कट ऑफ बनाई थी, आप जाके देखो एक बार, मैंने कहा था कि 80 से 85 कट ऑफ जाएगी, 82 आपकी कट ऑफ हुई थी जनरल की यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ट्रस्ट किया करो, आप लोग ऐसा मत सोचा कि यार एक में खराब हो गया। और जब मैंने आपकी SI वाली वीडियो बनाई थी, मैंने साफ उसमें बोल दिया था कि इसके अंदर घपलेबाजी होगी, तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कट ऑफ में ऊपर नीचे हो सकता है, ये मैंने आपसे पहले ही कह दिया था। लेकिन पटवारी वाली वीडियो में ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए पटवारी वाला आप लोग, और अपनी जो है आगे की जो प्रोसेस है उसमें आप लोग तैयारी करते रहो। और जिनका राजस्थान SI का एग्जाम क्लियर हो चुका है उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और आज आपको पता होगा क्रिसमस डे भी है, तो सभी को क्रिसमस डे की बधाई, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिसका नहीं हुआ है उसका तो क्रिसमस वैसे खराब हो चुका है, ठीक है। लेकिन कोई आपको हिम्मत आने की जरूरत नहीं है, अभी आपके पास वीडियो का एग्जाम है, आप लोग उस पर फोकस करिए। अगर आप इन कट ऑफ पर, इनमें आप लोग ध्यान लगाओगे तो फिर अपनी तैयारी आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बस आप लोग अपनी मेहनत से तैयारी करते रहो, और जिनका राजस्थान SI में सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए फिजिकल की वीडियो बना दूंगा, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है और कैसे आपको तैयारी करना है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू।